दर्जीपुर नाम के एक गांव में सभी गाय और बैल अपनी मर्जी के हिसाब से रहते थे, जिसकी जो मर्जी लोग वही करते हैं। ऐसे में धनवान और बलवान के तो काम आसान होते हैं, लेकिन गरीब और कमजोरों के लिए हर काम मुश्किल होता है। क्या बात है, आप आज भी खाली हाथ लौट कर आए हो? घर में खाने का एक भी दाना नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? मैं हर रोज अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मिन्नो, लेकिन भोजन पहले धनवान ले जाते हैं, उसके बाद बलवान ले जाते हैं। हम जैसे लोग सिर्फ उन्हें देखते रह जाते हैं। ये समस्या सिर्फ मिन्नो और कल्लू के घर ही नहीं थी, आधी से ज्यादा गांव वालों की थी। इस विषय पर सब मिलकर जब भी बात करने की कोशिश करते हैं, हर कोई अपनी मर्जी सुनाता रहता है, इसलिए आखिर में कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। इसीलिए कह रहा हूँ, हमें एक मुखिया की जरूरत है जो हमें इन सारे सवालों और लालच के बारे में देखना सिखाए। ऐसा तो सिर्फ एक ही बैल हो सकता है और वो तुम ही हो कालू। ऐसे ख्याल आज से पहले किसी को भी नहीं आया था, इसीलिए कालू ही हमारा मुखिया बनेगा। क्या कहते हो साथियों? सभी गांव वाले उस बैल की बात से सहमत होते हैं और कल्लू बैल को मुखिया बनाने ही वाले होते हैं। तभी उनके बीच में से गमोरा नाम का एक बैल उठकर कहता है कि कल्लू ने जानबूझकर ही ये बात की है, ताकि सभी लोग यही बात सोचकर उसे मुखिया बनाए। एक मुखिया को सच में निस्वार्थी होना चाहिए, जैसे कि मैं। मेरे पास सब कुछ है, मैं मुखिया बन भी गया तो मदद करने के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, इसीलिए मुखिया मुझे बनना चाहिए। ऐसे गमोरा अपनी तरफ से खुद को मुखिया बनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग सिर्फ कल्लू को ही अपना मुखिया बनाने की बात कर रहे थे और सब मिलकर पहली बार एक फैसला करते हैं। तो ये तय रहा, कल सुबह हम सब मिलकर कालू को हमारे इस गांव का मुखिया बनाएंगे। उसके बाद जो कालू कहेगा, उसके बाद कालू जो कहेगा वही होगी। ठीक है कहकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गुस्से में लाल पीला घमोरा कैसे भी करके कल्लू बैल को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाकर उसके पीछे पीछे जाता है और पीछे से मौका मिलते ही मार देता है बेचारे कल्लू बैल को। अब देखता हूँ कौन आता है मेरे रास्ते में। अब मैं ही हूँ इस गांव का मुखिया भी और करता डरता भी। ऐसे कहते हुए गमोरा अगले दिन सुबह सबके साथ जाकर भोले भाले गांव वाले की तरह सबके साथ जाकर बैठ जाता है और सब कल्लू बैल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कल्लू तो नहीं आता है। उसकी पत्नी मिन्नू गाय रोते हुए आती है। क्या बात है मिन्नू भाभी जी, आप रो क्यों रही हो? और कालू भैया कहाँ पर है? हमारे कल्लू अब इस दुनिया में नहीं रहे, किसी ने कल रात घर लौट कर आते वक्त उन्हें मार दिया। ऐसे कहते हुए मिन्नू गाय रोने लगती है और वहाँ पर आए हुए सभी गाय बैल हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर अफसोस करने के बाद सभी लोग मिलकर मिन्नू को मुखिया बनाने चाहते हैं। हाँ हाँ, यही सही है। कालू बाई का कातिल कौन है, इस बात का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे, लेकिन उनकी जगह में मिन्नू बाबी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। ऐसे कहते हुए मिन्नू के कितना मना करने पर भी सभी लोग मिलकर मिन्नू को मुखिया बना ही देते हैं। इस बात से गांव वाले खुश थे। मिन्नू डरी हुई थी
और गमोरा गुस्से में था। एक कत्ल करने वाले गमोरा को दूसरा कत्ल करने में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। एक को डबकाया तो दूसरी मुखिया बन गई है। उसे तो ऐसे ही मार दिया था, लेकिन इस मुन्नु की बच्ची को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मेरी मुखिया की सीट छीनने वाली मिन्नू की इस दुनिया से टिकट काटनी पड़ेगी। ऐसे कहते हुए गमोरा दिन रात मिन्नू का पीछा करके मिन्नू अकेली दिखते ही उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, और मारने से पहले थोड़ी सी नौटंकी भी करता है। जिंदगी में एक ही ख्वाब देखा था, इस गांव का मुखिया बनने वाला ख्वाब, लेकिन तुम पति पत्नी मेरे रास्ते में चप्पल से चिपके हुए च्युइंग गम की तरह से सपनों पर चिपका रहे हो। तुम्हारे पति को तो रास्ते से हट दिया, अब तुम्हारी बारी। गमोरा ऐसे डायलॉग बासी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ गांव वाले आते हैं और गमोरा की खूब पिटाई करके मिन्नू से उसकी गलती की सजा सुनाने को कहते हैं। ऐसे मिन्नू मुखिया बनने के बाद सबसे पहले अपने पति के कत्ल को सजा देती है। गजब पट्टीपुर नाम के एक गांव में वेला नाम का एक बैल रहता है। वेला बैल को कोई नहीं है, वो बचपन से ही एक अनाथ बैल है, जिसे घर परिवार क्या होता है इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। फिर भी वो अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश है। मुझे समझ में नहीं आता वेला, तू अकेला रहकर भी कितना खुश है। ना घर पर तेरा कोई इंतजार करता है और ना ही तुम्हारे लिए कोई खाना बनाता है। जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किसी के इंतजार करने या किसी के खाना बनाकर रखने से भी ज्यादा खुशी देते हैं। मुझे जो मन करे वो करता हूँ। मुझे सवाल करने या मेरी काविशों पर रोक लगाने के लिए कोई नहीं है। ऐसे कहकर वेला बेल वहाँ से चला जाता है। अपने दोस्त को हमेशा इतना खुश देखकर गोलू बेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो चाहता है कि वेला भी उसकी तरह घर संभालने के लिए दिन रात मेहनत करे और उसकी भी जिंदगी मुश्किल बन जाए। ऐसे सोचते हुए गोलू बेल बहुत कोशिशें करके एक सुंदर गाय से वेला बेल की शादी करवाता है और इंतजार करता है कि वेला को दुखी या परेशान देखने के लिए। शादी से पहले वैसे तो सारी बातें हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हें एक बार और याद दिला देता हूँ बेला, मैं जिंदगी भर अकेला ही रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से रहने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसीलिए मेरे किसी भी बात का बुरा लगे तो तभी बता देना। आप चिंता मत करो, भले ही आप अकेले रहे हो, लेकिन मैं अपने 12 भाई बहनों के साथ बड़ी हुई हूँ। मैं लगभग हर स्वभाव को जानती हूँ। ऐसे दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। वक्त गुजरता है और उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। ऐसे ही एक दिन घर लौट रहे वेला को गोलू बेल मिलता है और दोनों दोस्त बातें करने लग जाते हैं। और भाई, अब बता तेरी खुशियों से भरी जिंदगी कैसी चल रही है? सब ठीक है या तुम भी आम परिवारों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो? मेरी खुशियों के भरी जिंदगी में पहले सिर्फ खुशियां थी, अब उन खुशियों में रंग भी आ गई है। मेरे दोस्त बेला सच में बहुत अच्छी पत्नी है, हम हमारे छोटे बच्चे के साथ बहुत खुश है। मेरी ये शादी करवाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कहते हुए बेला अपने दोस्त गोलू बेल को एक दिन खाने पर आने को कहकर वहाँ से चला जाता है।
लेकिन वेला की बातें गोलू बेल के सीने में तीर की तरह छुपने लगती है। वेला, तेरा कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर ऊपर वाले तेरी किस्मत इतनी अच्छे से कैसे लिख सकता है? ऐसे कहते हुए एक दिन वेला के घर पर खाने के लिए जाकर वेला के बेटे को एक ऐसी टॉफी खाने के लिए देता है जिसे खाने के बाद उसकी मौत हो सकती है। बच्चे से बातें बाद में कर लेना गोलू, आओ खाना खाते हैं। आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही है यहाँ पर। ऐसे सब मिलकर खाना खाकर कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद गोलू बेल अपने घर चला जाता है। वेला और उसकी पत्नी बेला भी उनके बच्चे के साथ सो जाते हैं। अगले दिन वेला और बेला को सुबह होते ही उठ जाते हैं, लेकिन उनका बच्चा नहीं उठ रहा था। बेला, अब तक बच्चा उठ क्यों नहीं है? वो तो सुबह होते ही सबसे पहले उठा जाता है ना? मैं उसे कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो जाग ही नहीं रहा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। आप ही आकर देखो ना, मुझे डर लग रहा है। बेला की बातें सुनकर वेला भी घबरा जाता है और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल भागता है। वहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा तो मर गया है। वो बात सुनकर वेला के पैर कांपने लगते हैं। बेला जो खुद इतने दुख में थी, वो अपने पति को संभालने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे बच्चे का अंतिम संस्कार होता है और उस बच्चे के साथ वेला के घर से खुशियां भी गायब हो जाती है। हमेशा खुश रहने वाला वेला अब हमेशा उदास चेहरा लाकर ही घूमता है। बेला भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलकर बात करती है। कैसी लग रहा है? पहली बार खुद को दुखी देखकर वेला, तुझे ऐसे देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर तुझे दुख क्या होता है इस बात का एहसास तो हुआ। तू जानता है क्या है मेरे बारे में? इतना सा था तब मेरे आंखों के सामने मेरे सभी परिवार वाले मर गए। तू मुझे ऐसे देखना चाहता है ना? झूठ दोस्त, अब देखना मैं कैसे रहता हूँ। ऐसे कहते हुए वेला फिर से पहले जैसे खुश वेला बन जाता है और अपनी पत्नी को भी फिर से खुश रहना सिखाता है। ऐसे दोनों पति पत्नी जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़ने लगते हैं।